तो बच्चों इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। साइन एक्स प्लस ए न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स माइनस बी। अब यहां पर देखो साइन का जो एंगल है वो एक्स प्लस ए है, कॉस का एंगल एक्स माइनस बी है, दोनों एंगल सेम नहीं है तो इसको टेन एक्स प्लस ए या फिर टेन एक्स माइनस बी नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा इसके अंदर, आप सीधे आ जाओ एंगल के अंदर, मतलब इधर ब्रैकेट के अंदर, है ना। एक्स प्लस ए आपके पास है ऑलरेडी डी एक्स, और नीचे क्या बेटा, नीचे हमारे पास कॉस एक्स माइनस बी है। तो कोशिश करते हैं कि एक्स माइनस बी न्यूमरेटर के अंदर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप माइनस बी करो और प्लस बी करो, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले को यहां पर लगाने से शायद फायदा हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन यहां पर आ गया, साइन ए में ले रहा हूं एक्स माइनस बी को और बी ले रहा हूं ए प्लस बी को, तो साइन एक्स माइनस बी ये हमारा ए एंगल हो गया प्लस ए प्लस बी ये हमारा बी एंगल हो गया, और यहां पर डी एक्स होल अपॉन कॉस एक्स माइनस बी आ गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है यहां पर, साइन ए कॉस बी, मतलब ऐसे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहां पर डी एक्स पहले से लगाना चाहिए आपको, ना ठीक है, होल अपॉन कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा। यहां पर दो टर्म्स दिख रहे होंगे आपको, एक टर्म ये है और एक टर्म हमारे पास ये है, दोनों टर्म्स को मैं डिवाइड करना है किससे, कॉस एक्स माइनस बी से। तो एक बार हम लोग फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे कॉस एक्स माइनस बी से, तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू टेन एक्स माइनस बी प्लस, इसके बाद कॉस एक्स माइनस बी और साइन ए प्लस बी को हम लोग कॉस ए एक्स माइनस बी से डिवाइड करेंगे, तो cos x माइनस बी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा sin a प्लस बी। तो यहां पर लिखेंगे sin a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर dx लिख देंगे, बढ़िया। अब दो टर्म्स हमारे पास आ गई है, मतलब कि दो इंटीग्रल्स आ गए हैं, दोनों पार्ट्स को अलग अलग में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या बन रहा है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है cos a प्लस बी एंड tan x माइनस बी, ऐसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए प्लस बी टेन एक्स माइनस बी, इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे साइन ए प्लस बी डी एक्स, और यहां पर डी एक्स डाल दो, दो अलग अलग इंटीग्रल्स बन चुके हैं। अब एक चीज देखो यहां पर कांस्टेंट क्या है, अगर एक्स वेरिएबल है तो कांस्टेंट क्या है, ए और बी दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं कॉस ए प्लस बी क्योंकि कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पर जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस यहां पर कांस्टेंट साइन ए प्लस बी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे टर्म को बाहर निकाल लेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक, तो लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू लॉग सेक एक्स माइनस बी, ठीक है, और यहां पर साइन ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है इसको बाहर रहने देते हैं, तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी एंड वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है आप सबको पता ही है, तो यहां पर एक्स लिखो प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।